राजपूत, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं गांव खानपुर में हूँ। और जी नमस्कार, मैं हूँ ग्राम पंचायत खानपुर, यहाँ के प्रधान पद के दावेदार हैं सुशील कुमार जी। उनका मैं आपको मैनिफेस्टो के बारे में बता दूँ। घोषणा पत्र ग्राम पंचायत सौंदर्यकरण के कार्यवर्ष 2021 से 2026 में जो हो गए, जो आज होने वाले हैं अगर ये प्रधानमंत्री, तो वो उन्होंने एक मैनिफेस्टो छपा भी रखा है। पहला, स्टेडियम की स्थापना, तालाबों की सफाई, गरीब कन्या की शादी में 11,000 रुपये का दान, गरीबों के लिए मकान, गरीबों के लिए राशन वितरण की सुचारू व्यवस्था, गांव में एक बैंक की व्यवस्था, गांव में कन्या हाई स्कूल की स्थापना, आवारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल की व्यवस्था, गांव की पुरानी इमारतें जैसे चौपाल आदि का निर्माण, दिव्यांग, विधवा व वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था, जो व्यक्ति शौचालय से वंचित रह गया उनके सुपात्रों का सब कराकर उन्हें सुविधा दिलवाना, ये है मैनिफेस्टो। अब इन पे काम होगा या नहीं होगा जनता के ऊपर छोड़ते हैं, प्रधान जी के ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन अगर उन्होंने छपवाया तो सोच समझ कर छपवाया। अब जनता का फैसला है कि वो किसे चुनती है, एक ऐसे व्यक्ति को जो एक अच्छी दिशा में और अच्छा काम करे, या जगह जगह कूड़े के ढेर लगे रहे, वो जनता को चुनना है। इसी के साथ For information on the news around you, keep watching FaceTalk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. मिनट और हमारे साथ है एक नए दावेदार प्रत्याशी। आइए पूछते हैं कि क्या वो एजेंडा लेके चल रहे हैं और क्या उनके मैनिफेस्टो में इस बार है और वो क्या अपेक्षाएं अपनी जनता के प्रति रखते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले सर आप अपना नाम और गांव का नाम बताइए। नाम सुशील कुमार है जी, गाँव का नाम खानपुर। अच्छा, यहाँ से महिला सीट है जी? महिला सीट। आपकी धर्मपत्नी यहाँ से चुनाव लड़ेगी जी? अच्छा सर, अभी आपने कोई अपना मैनिफेस्टो बनाया कि गांव में ये काम हुए ये नहीं हुए, क्या आपने सोचा हुआ? जी सोच के ही आए हैं जी, और जो गांव में काफ़ी काम ऐसे रुके हुए हैं जो आज तक गांव में हो ही नहीं पाए। कौन से काम? स्कूल है जी, कन्या हो स्कूल नहीं है कोई जी, जूनियर हाई स्कूल है उस पर कोई स्कूल नहीं बना, झोर तालाब वे नहीं खुदे, रास्ते आपने देखे होंगे भी आप आए, सफाई को लेकर तो काम नहीं, गरीबों का कोई पता लेने वाला नहीं। अच्छा, पेंशन को लेके लोग नाराज है थोड़ा सा? हाँ, पेंशन लोगों की जो बनी हुई थी वो भी कटवा दी पिछले सरकार ने, और खेल मैदान को भी देखे, खेल मैदान नहीं है कोई भी, खेल मैदान की भी हमने घोषणा करी कि हमको देंगे। ये आपके मैनिफेस्टो में है खेल मैदान देंगे, पेंशन मैनिफेस्टो में तो बहुत कुछ है जी हमारे में, 11,000 रुपये गरीब कन्याओं के लिए दान है शादी में जी, सामूहिक भी होगा। हाँ, पेंशन का भी है और भी स्टेडियम का है, स्कूल का है, बहुत सारे जो हमने छपवाए हुए भी हैं। अच्छा, अपने कम्प्लीट हो गए, आज तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया जी हमारे गाँव में। अच्छा, मानते कि आपके गाँव में ध्यान नहीं दिया? नहीं दिया। तो आप परिवर्तन करेंगे जी? जो परिवर्तन, परिवर्तन के लिए दूसरा तो काम नहीं। अच्छा, नहीं हमारा काम तो होगा, दूसरा जो देखा गांव को उद्धार करने वाला कोई है ही नहीं, गाँव ही खत्म होता जा रहा है। अच्छा, यहाँ जो भूतपूर्व प्रधान थे क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संपूर्ण रूप से नहीं निभाई? नहीं नहीं भाई, वो तो आप गांव में घूम रहे हो आपको भी पता होगा कैसा बता रहे हैं, उन्होंने तो 5 साल ऐसी काटी कि किसी का फोन तो लग भी नहीं उठाया। अभी आपकी नाराजगी बहुत ज़्यादा जी, नाराजगी के आधार पर हमारी वजह आप आना नहीं चाहते थे जी, हमारे तो वो गाँव में दूसरे जी हमारे लगे व्यस्त थे, तो गाँव के लिए ही सेवा भाव के लिए उसी के लिए ही गाँव में समय देंगे। अरे तो आपने देखा कि गांव में जो परिवर्तन होना चाहिए था, जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ, नहीं हुआ, इसलिए आपने अपने कदम आगे बढ़ाए जी। अच्छा, आपको लगता है कि आपको इस बार जो कदम आगे आपने बढ़ाए हैं जनता आपको चुनेगी? हाँ जी, जब गाँव को अच्छा लगेगा फिर भाई ऐसा कर सकेगा, मेरे अंदर चुनेगी जनता, वो मेरे अंदर कुछ देखेंगे कि हाँ ये कर सके नहीं कर सकता, तो वो जनता के ऊपर है। अच्छा, आज तक किसी ने किया नहीं भाई, वो करने की कह रहा है तो मैनिफेस्टो भी हमने छपाया, तो किसी ने मैनिफेस्टो नहीं छपाया, नहीं छपाया ना, अभी भी किसी प्रत्याशी ना और नहीं छपाया। अच्छा, अच्छा, कोई खास मुख्य बात जो आप चाहते थे कि मैं कभी प्रधान बनूँ तो सबसे पहले अपने क्षेत्र में ये वाला काम करूँ? जो सबसे पहले तो जो माहौल है, माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है हमारे यहाँ। अच्छा, सफाई को लेकर मैंने देखा कि सफाई कुछ भी नहीं है जी, नालियाँ रुकी हुई है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, इस साइड आप जाओगे तो झोर बिल्कुल ख़त्म कर दिया लोगों ने, घेर लिए, सफाई नहीं, सब अट गए, बरसात होते ही
पूरा गांव एक हो जाए पानी भर। अच्छा भैया माहौल की बात कर रहे थे, क्या माहौल कैसा? माहौल तो बहुत ही गंदा है यहाँ, जो है कोई किसी को मैं हो जाओ तो पुलिस, अच्छा दलाल हो रहे हैं गांव में, बस उन्हें दलाली से मतलब है, गरीब लोग लुट रहे पिट रहे हैं। और जो माहौल का ये है जी, लड़कियों का लिकड़ना दुश्वार हो रहा, घर से बाहर लड़की हो रहा है जी, 10-10, 20-20 लड़के खड़े हो जाएंगे रास्तों में, और वो लड़कियों का लिकड़ना बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इसके लिए आपने क्या सोचा? तो ये सोचा जी कानून से मिलकर कुछ अपने लोग लेकर जो ठीक है उनसे लेकर उनसे लड़ेंगे। अच्छा जी, अच्छा कोई खास बात जो आप फेस वार्ता के माध्यम से अपने गाँववासियों से कहना चाहते हो, क्योंकि आप माहौल देख रहे हैं कि कोरोना को लेकर दोबारा से माहौल खराब होता जा रहा है। हाँ जी, उसके लिए जागरूक भी करते रहें, जैसे हम अपने कन्वेंशन में घूम रहे हैं तो उन्हें जागरूक भी करें कि इस तरह से रहो, इस तरह से वो करो, भीड़ इकट्ठा मत करो, वो भी समझाते रहें जी उन्हें, और अपने वोट के लिए। अच्छा आप लोगों से मिलते हैं तो आप ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करते? ना जी, हम 3-4 आदमी के और जाएँ बस। अच्छा कोरोना काल में जब लॉकडाउन था पूरा भारत में, तो उस वक्त आपकी क्या भूमिका थी अपने गाँव में? भूमिका जो हम जो स्प्रे करे, वो मास्क बांटे, जो स्प्रे सैनिटाइज किया गया वो करा, जो भी हो सका अपने से वही करा। अच्छा फेस वार्ता के माध्यम से गाँव वासियों से कुछ कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि अब की बार मुझे मौका दें, और फिर जो है मेरी सेवा जो गांव के लिए होगी जी, वो गांव वाले इसको जरूर महसूस करेंगे कि गांव में कोई अब की बार बदलाव आया।